कांग्रेस पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा के झूठे दिन अब जाने की तैयारी में। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जीत पर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता बिमला सरोहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पुरानी सब्जी मंडी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगमोहन सेठी के साथ ढोल की थाप पर जमकर थिर गए। बिमला सरोहा ने कहा कि 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सियासत तेज हो गई है। इसी के तहत 2019 के चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई करने वाले नेता अपने अपने हलकों में चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिमला सरोहा ने कहा कि अब भाजपा के झूठे दिन जाने वाले हैं और देश व प्रदेश में एक बार फिर सुशासन कायम करने के लिए कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हमें 5 राज्य में जो चुनाव हुए और कांग्रेस को जो 3 स्टेट में पूर्ण बहुमत और बाकी जगह भी बीजेपी का सफाया, तो ये जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है, मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनको जनता ने बता दिया कि बार बार रमता जोगी और मैं झोला उठा के चल देना वाला हूँ कि आप झोला उठाइए और बाहर का रास्ता देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली और देश के विकास में जो आज तक मोदी ने झूठ झूठ जुमले और ये कह के जो जनता को धोखा दिया कि क्या करा कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये करूँगा, चाहे महिला की सुरक्षा हो, चाहे किसान वर्ग की बात हो, चाहे हमारा कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हमारा कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो बात उठाई थी, तो एक बार काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और मोदी जी को ये जनता ने शुरुआत कर दी है कि आप चलते बनिए और बोरिया बिस्तरा अच्छे से बांध लीजिए कि 19 में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो गीता जयंती का जो एक मखोल बना दिया, जो मजाक उड़ा दिया, मैं समझती हूँ कि पिछले साल भी और अब भी जो राजनीतिकरण पूरा कर दिया है इसका, राजनीति करने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और जनता तैयार बैठी है कि आप आइए और हम आपको रास्ता दिखाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि 70 साल का हिसाब मांगने वाले सिर्फ धोखा धोखा धोखा। उनको ये बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि 70 साल पहले भारत में अपने हिंदुस्तान की बात करें, चाहे हरित क्रांति की बात हो नेहरू जी लेके आए, चाहे बैंकों का की राष्ट्रीयकरण की बात हो इंदिरा जी करके आई, और जो आधुनिक भारत की बात देखें हमारे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो सब ये टेक्नोलॉजी लेके आए थे। उस टाइम उनका मजाक उड़ाया गया था, उसी डब्बे में उन्होंने राजनीति करी और जनता को धोखा दिया। पर जनता धोखा कितनी देर खाएगी? राहुल फैक्टर है, राहुल फैक्टर से जीते हम। टोटली बीजेपी का विरोध, टोटली। और राहुल बाबा कहने वालों को ये बता दें कि ये वही खून है, इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव जी के बेटे हैं, देश के विकास में जिन्होंने अपनी जान झोंक दी, तो वो बता देंगे कि हम क्या हैं, उनको रास्ता दिखा। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए राजीव जी भी अग्रणी रहे और उनके बेटे राहुल जी भी अग्रणी हैं, ये समय बताएगा, ये उनका फैसला होगा, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे, उनके फैसले, वो जब बात आएगी और सभी विधायक दल के लोग बैठ के वो विचार विमर्श करेंगे और उसका वो डिसीजन लेंगे। मैं समझती हूँ कि गुटबंदी की कोई बात नहीं, कोई गुटबंदी है ही नहीं, कोई गुटबंदी थी नहीं, वो एक विचारों की जो मतभेद होते ना, वो हमारे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार कुछ हो सकते हैं दूसरे, लेकिन हम सब एक हैं और एकता में ही काम करते हैं।